आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड की राजधानी में एक दिवसीय दौरा रहा, जिसमें उन्होंने IRDA ऑडिटोरियम में पहुंचकर पत्रकारों से, कार्यकर्ताओं से संबोधित किया और दो घोषणाएं भी की, जिसमें उन्होंने 2022 में होने वाली आगामी विधानसभा चुनाव में कर्नल अजय कोठियाल को CM पद के लिए उम्मीदवार का चेहरा घोषित किया। तो वहीं दूसरी ओर घोषणा में उन्होंने राजधानी में विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनने की बात कही। उन्होंने कहा कि अब जनता को बदलाव चाहिए और वह बदलाव उत्तराखंड की जनता को आम आदमी पार्टी देगी। वहीं कर्नल कोठियाल को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के बाद केजरीवाल ने कहा कि कर्नल कोठियाल के हाथ में बागडोर आने के बाद ही उत्तराखंड की समुचित विकास हो पाएगा। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी देहरादून के घंटाघर से दिलाराम चौक तक एक रोड शो किया। फ्री में यहाँ पे बच्चों की ट्रेनिंग कराई, युवाओं की ट्रेनिंग कराई और 10,000 से ज्यादा बच्चों को फौज में भर्ती करा चुके हैं। मुझे नहीं पता आपने से कितने लोग जानते हैं। आज उत्तराखंड का हमारा युवा सबके सबसे ज्यादा समस्या हमारे युवाओं के सामने उत्तराखंड में क्या है? बेरोजगारी की समस्या है, पलायन की समस्या है, छोड़ छोड़ के अपना घर उनको दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। ये वो शख्स है जिसको रोजगार देना आता है, ये वो शख्स है जिसको युवाओं को ट्रेन करना आता है, ये वो शख्स है जो युवाओं के सपने और उनकी जरूरतें पूरी कर सकता है। इनके साथ मिलके हम प्लान तैयार कर रहे हैं, कोटियाल साहब के साथ मिलके हम लोग प्लान तैयार कर रहे हैं कि किस तरह से अपने उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है। इन्होंने 10,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया है, इनको रोजगार दिलवाना आता है। तो मैं समझता हूं कि इनके हाथों में अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो उत्तराखंड का भविष्य न केवल सुरक्षित होगा बल्कि सुनहरा होगा। तो मैं कोठियाल साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उत्तराखंड के लोगों को बधाई देता हूं कि एक ऐसी शख्सियत को अब उत्तराखंड संभालने का मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड के लोग उन्हें मौका देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, केजरीवाल जी का जो आगमन था, एक ही बहुत ही जो अहम घोषणा करनी थी अरविंद केजरीवाल जी ने, जो हमारे मार्गदर्शक है हमारे वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल जी को आज की डेट में उत्तराखंड का मुख्यमंत्री का चेहरा आम आदमी पार्टी के द्वारा बनाया गया है। और एक संदेश दिया गया है कि जिस प्रकार से कर्नल कोठियाल जी ने विपरीत परिस्थितियों में जो केदारनाथ है उसका पुनर्निर्माण करने का कार्य करा, फौज में रहते हुए उन्होंने दो दो गोलियाँ खाई और देश की जो सेवा करी है, वो उस प्रकार से जो उन्होंने अब उत्तराखंड का नवनिर्माण का संकल्प लेने का काम करा है, तो निश्चित तौर पे अब कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। और जिस प्रकार से कर्नल साहब ने फौज के नेतृत्व करा है, उसी प्रकार के उत्तराखंड का भी नेतृत्व करेंगे। आज पूरा उत्तराखंड में अलग ही दिख रहा है कि मिशन 2022 हमारा सक्सेस हो चुका है और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। आज हमारे जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, नेताजी दिल्ली से आए हैं, लोगों के अंदर जोश बढ़ चुका है और अब देखना है इसका परिणाम 2022 में आप सबको दिख जाएगा। तो बहुत उत्साहित हैं और हम ही उत्साहित नहीं हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी रास्ते में तमाम शोरूम हैं उनमें खड़े हुए लोग भी उनको अभिवादन कर रहे थे। वो इस बात का संकेत दे रहे थे कि आप उत्तराखंड में आइए, आपका स्वागत है और उत्तराखंड परिवर्तन के लिए पूरी तरह से। बहुत अच्छा लगा और हम चाहते हैं वो आए और हमेशा सरकार भी उन्हीं की बने। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।